सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में प्रदेश से 40 टीमें भाग ले रही हैं। बता दें कि सिरमौर और किन्नौर की टीमों के बीच पहला मुकाबला हुआ है। विजेता टीम को 31,000 रुपए का नगद इनाम व ट्रॉफी दी जाएगी। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 15,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और कहा कि कोरोना काल के बाद ये क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट है। उन्होंने सभी युवाओं से नशे से दूर रहने का आग्रह भी किया। बड़े खुशी की बात है कि फ्रेंड्स क्लब सोलन ने इस वर्ष भी जो है कोरोना काल के बाद ये क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया है। इस टूर्नामेंट में लगभग 40 टीमें जो है सोलन की और ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश से यहाँ आई है। और कोरोना काल के बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी हमारे नवयुवक जो है खेलने के लिए जो है उत्सुक है और यहाँ छोटू ग्राउंड में जो है लगातार टूर्नामेंटों का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो या फिर कबड्डी का हो। और मेरी सभी युवकों से प्रार्थना है कि जो ड्रग्स हैं उससे दूर रहें और आने वाले समय में जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार चला रही है, उस फिट इंडिया मूवमेंट को जो है फॉलो करें और सामाजिक तौर पे भी फिट रहें, फिजिकली फिट रहें और मानसिक तौर पे भी फिट रहें, ऐसा मेरा सभी को संदेश भी है और सभी से अनुरोध भी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।